अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं क्लॉक टावर घूमने के लिए। और पहले सबसे पहले हम जाएंगे मस्जिद अल हरम, और वहाँ पर जाने के बाद में एक नफली तवाफ़ करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद में मतलब कि फारिग होकर जोहर की नमाज़ पढ़कर, असर की नमाज़ पढ़कर, फिर वहाँ से फारिग होने के बाद में क्लॉक टावर घूमेंगे। और वैसे बताया वहाँ पर कि ज़्यादातर बहुत सारी दुकानें हैं, वो पूरा का पूरा एक आपको मॉल मार्केट मॉल हाँ मार्केट है, बहुत तगड़ी मार्केट है। देखेंगे उसका क्या है, उसका रिव्यू आपको देते हैं और उसको दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम निकलते हैं, और देखो आज हमारे कमरे के अंदर कितनी सारी जमजम की बोतलें, मतलब कि क्या नाम है, देखे गए हैं। ये देखो, रोज आती है, ये ये रोज आती हैं यहाँ पर, मतलब कि थोड़ी थोड़ी जमजम देर की में कमी नहीं है। जमजम की कमी नहीं है, अब यहाँ से जमजम ही पिया जा रहा है। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। हाँ तो दोस्तों, जाने से पहले अभी पता चला कि खाने का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैंटीन में आ गया। हमने सोचा कि पहले खाने से फारिग हो लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो टाइम हो गया है, तो अब देख लेते हैं कि आज खाने में क्या है। यहाँ पर देखो सब हाजी लोग खाना खा रहे हैं। ये कैंटीन है, ये हमारे भाई कैंटीन के रोटी है, आज दूसरी दाल है। ठीक है, और क्या क्या भाई? दाल है, आलू पूरी और चिकन कोरमा, ब्रेड दाल है। अच्छा, चिकन कोरमा, आलू आलू गोभी, दाल चावल, शाही टुकड़े, शाही टुकड़े। ये मैं बैठा हूँ, ये हमारे नजमी भाई हैं, ये मुबारक भाई है, ये मुबारक भाई हैं, और जिन भाई इन्हीं हैं के साथ हम मतलब कि क्या नाम है यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे ठीक भाई है, है, कह रहे स्पेशल जी ये को डॉक्टर साहब हैं। जिनको नहीं 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 गलत नहीं, गलत नहीं। और ये जूस जूस कौन सा भाई आज? अच्छा जूस है, और ये कॉफ़ी चाय ये हमेशा अवेलेबल रहती है। मिल्क रोज, अच्छा ये मिल्क रोज़ वाला जूस है। तो सबसे पहले हम जाने से पहले खाना खा लेते हैं, वो फारिग हो लेते हैं यहाँ से। अब हम अपने होटल से निकल चुके हैं, खाना वगैरह खाने के बाद में ये हमें रोड पे छोड़ देगा, फिर वहाँ से उल्टा चक्कर पड़ता है इसको, तो ये मेन रोड तक छोड़ देगा। ये कभी कभी मिलता है, बड़ी मुश्किल से इधर उधर भागता रहता है। पर बंदा है वो, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा, देखूं इमामुल अंबिया, देखूं हबीबे किबरिया, देखूं तमन्ना दिल हबीब अल्लाह, तमन्ना दिल रसूलुल्लाह। बस ये हमें यहाँ तक छोड़ेगा, और बाकी जो यहाँ से वापस जाने वाले होटल वो सारे के सारे बैठ जाएंगे दोबारा, और ये ऐसे चक्कर काटता रहेगा। थोड़ा ही दूर का इसका फासला रहता है और ये चक्कर काटता रहता है। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मस्जिद अल हरम, यहाँ से आपको देखो वो बिल्डिंगें दिख रही है ना, बस वहाँ तक हमें थोड़ा सा ये होगा, लगभग 300 मीटर या 400 मीटर के आसपास। कोई उल्टे सीधे हाथ पे आपको मक्का शरीफ पूरा दिख जाएगा, और उल्टे हाथ पे क्लॉक टावर। चलो चलते हैं। देखो अब हम बहुत करीब आ चुके हैं, और ऊपर देखो यहाँ से ही मज़ा आता है। हल्की हल्की बूंदे पड़ती रहती हैं चेहरे पे, और हवा चलती रहती है। ऊपर का जो फुहारों वाला सिस्टम है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया है। अब जिसको नहीं मालूम है वो उनको ऐसा लगता है ये छींटे कहाँ से आ रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी ऊपर से छींटे आती हैं, सीधा फेस पे लगती है, और काफ़ी अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा महसूस होता है इससे। और ये बहुत अच्छे लेवल पे मतलब कि क्या नाम है आ रही है, ऐसा लग रहा है ऐसे हल्की हल्की जो बारिश की बौछार सी नहीं लग जाती, वैसा ही महसूस हो रहा है। काफ़ी लोग आ रहे हैं वहाँ से, हम भी बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। अब थोड़ा और करीब पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं। हम आ गए, करीब आ गए हैं, और आज का तापमान भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी लेकिन खास पता नहीं चल रहा यहाँ पर आने के बाद। 41 डिग्री सेल्सियस इस टाइम करंट का शो कर रहा है यहाँ का, लेकिन फिर भी खास पता नहीं चल रहा। कैसा लग रहा है, तो ज़्यादा गर्मी लग रही है क्या? नहीं लग रही ना, दिल्ली से कम गर्मी है इस वक्त महसूस हो रही है। वो यहाँ के जो सिस्टम इन्होंने कर रखा है ना, उस वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा लगता है कि बस यही देखते रहो। क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का, देखो कितना बेहतरीन मतलब कि क्या नाम है मंजर होता है ये।
ये क्लॉक टावर है, आगे आगे से दिखेगा, ये देखो ऊपर देखो, ये पूरी की पूरी मार्केट है, अंदर से जाके देखेंगे इसको। अब हम बिल्कुल करीब आ गए, ये देखो यहाँ का नज़ारा। अब देखो यहाँ पे दो एंट्रेंस इन्होंने कर रखे हैं, एक तो है आप मतलब कि क्या नाम है, अगर उमरा कर रहे हैं तो अहराम में होंगे, अहराम में जैसे ये आ रहे हैं हाजी जी, इस तरीके से मतलब दो कपड़ों के अंदर आप होते हो जब अहराम में होते हो, तो आपको बिल्कुल काबे के बिल्कुल करीब से तवाफ करने देना का उन्होंने परमिशन दे रखा है, वो करीब से कर सकते हैं। और बाकी जैसे हम लोग हैं, जैसे हम कुर्ते पजामे में आए हैं खाली नफली तवाफ करने के लिए, तो हमें सीधा यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे भाई साहब, और जो ऊपर की जो पहली मंजिल है ना, वहाँ से हम तवाफ स्टार्ट करेंगे अपना। ये देखो यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, और ये भी वो बिल्डिंग, जब हम अपना तवाफ कंप्लीट कर लेंगे तब हम फ्री होकर आराम से नमाज अदा करके तवाफ करके पूरी तरीके से फ्री होकर यहाँ से फिर हम जाएंगे क्लॉक टावर में। अभी तक हम गए नहीं एक बार भी। अब हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं, ये देखो फर्स्ट फ्लोर पे सारे के सारे लोग नफली तवाफ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अहराम में कोई नहीं दिखेगा, अगर एक हाथ होगा तो गलती से ऊपर आ गए होंगे, उनको नीचे से पूरा मौका मिला मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आ गया होगा तो गलती से ही आएगा। अब सामने बिल्कुल काबा है, मैं ये क्रॉस करने के बाद में आपको काबा दिखाऊंगा। देखो कितनी भीड़ यहाँ पे चलती है, वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फजा वो रहनुमा, देखूं तमन्नाए दिल हबीब अल्लाह। सामने काबा है, निगाहें नीचे, और हम एक साइड में आ जाते हैं पहले। तमन्नाए दिल रसूलुल्लाह, ये दुनिया बेसुबा तो बेवफा हो गम का गहवारा। काबे पे जब पहली नजर पड़ती है तो ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर तीन बार पढ़कर आप जो दुआ मांगोगे वो आपकी कबूल होती है। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा, देखूं इमामुल अंबिया, देखूं हबीबे किबरिया, देखूं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर नमाज जोहर अदा करेंगे, नमाज जोहर अदा करने के बाद में हम नफली तवाफ करेंगे हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से, फिर उसके बाद में फिर हम यहाँ से थोड़ी देर बैठेंगे, इबादत करेंगे, आबे जमजम पियेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद क्लॉक टावर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, तो अब हम पूरी इबादत करने के बाद में आपसे मिलते हैं। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है, ना तू बन सका ना बना सका। ये मस्जिद अल हराम का सबसे ऊपर वाला गेट है, ऊपर वाली जगह है, मतलब जो छत है, छत पे से देखो कैसा दिखता है। ये देखो यहाँ पर क्लॉक टावर, ऐसा आपको पता चलेगा, और ये उस साइड में लोग तवाफ कर रहे हैं, और ये देखो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ। आज हम क्लॉक टावर घूमने के लिए जा रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज है क्योंकि असर के बाद की वीडियो है ये। ये देखो बिल्कुल सामने हरम शरीफ का गेट है, ये मेन गेट, माशाल्लाह। और ये क्लॉक टावर,
दिल में तेरे मौजूद है, क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला महदूद है। जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कोई और है। चलो आगे जाओ। मॉल का ये हिस्सा बड़ा शांत है, बिल्कुल एकदम खाली, एक दिख रही है बस और कोई नहीं, बिल्कुल खाली है एकदम जबरदस्त तरीके से, पता नहीं क्यों। क्लॉक टावर में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर सारे के सारा एक पूरी तरीके से शॉपिंग मॉल बनाया हुआ है। इसको शायद सबसे ऊपर होटल होगा, इतने हिस्से में होटल है। हमें यहाँ पर KFC दिख गया है, अब हमें और किसी चीज़ की तलाश नहीं है, हम वहीं जा रहे हैं। चलो ये जो भाप से दिख रही है आपको, ये बहुत सारा पानी भाप बना के मतलब क्या नाम है फेंक रहे हैं, जिससे यहाँ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क आया हुआ है। क्या नज़ारा है देखो, ये हम लेकर आए हैं KFC से। देखो क्या क्या दिया है, बस उनकी भाषा तो समझ में आ नहीं रही थी, मैंने कहा दे दे भाई फैमिली मेंबर में जो जो आए समझ में दे दे, लैग लैग दे दे। वही बर्गर वर्गर है, लैग उसमें कहाँ रखी है, लैग होगी। ये तो उन्हें ऐसे ही डाल दिए थे दो, फिर ही मैंने डाल दिया, पता नहीं क्या है, ऐसी कुछ है। खोलो इसे, क्या है इसके अंदर, अरे खोलो भाई, फाड़ दो। ये फ्राइज और लेग पीस है। चलो देखते हैं कैसा है यहाँ का टेस्ट, और ये पूरा का पूरा मुर्ग मुसल्लम ताहिर खाएगा भैया जी।